विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख सुश्री ममता यादव जी उपस्थित हैं। ममता दीदी के स्वागत के लिए मैं साधना यादव जी से निवेदन करती हूँ। श्री रवि जायसवाल जी के स्वागत के लिए मैं प्रिया कदम जी से आग्रह करती हूँ। So we'll go by the general demo and then we'll go to advance. Position! Vapas, zinda ho to mahsoos karao. Position!
तकलीफ जो एक इंसान की होती है उससे बहुत फैल रही है, और जिनको आपको मार रहा है उनको हम पुरुषों की गिनती में कभी नहीं गिनते, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो मेरी माँ कहती थी जिनके रूपा देखते हैं और पैर के नीचे दुर्गा के स्वरूप में बेटी को देखते हैं। सो आई बिलीव दे आर नॉट व्हाट वी प्रिटेंड टू बी। चलो एक बार और फास्ट सब खड़े हो जाओ, चलो 17 स्टेप जल्दी से बेटा, पूरे जोश के साथ गुस्सा गो। अच्छा आप लोग को समझ में नहीं आया, यू ऑल नो हाउ टू ऑपरेट दिस, ताली बजाओ उनके लिए बेटा, आपके बीच से आए हैं वो मेरे बच्चे भी है। गुड पोजीशन, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पोजीशन, नाक में कम से कम 4 टांके लगी है, वापस थर्ड पोजीशन। हर बच्ची जो बच्ची कैरी कर सकती है, तलवार रखकर नहीं घूम सकती है, वो अगेंस्ट आर्म सेट है, बट कार रखकर घूम सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, चेंज, नो एक्सप्लेनेशन, बैठ जाओ, चलो नाउ, सॉरी लगा लगा लो दुपट्टा दुपट्टा दुपट्टा, एक्सप्लेनेशन, चुनरी की बड़ी ताकत है। नो 1, 2, 3, एक बार में कर दो, एक बार, वी हैव लेस टाइम, चलो एक बार में करना फास्ट, नो एक्सप्लेनेशन, दुपट्टे से कैसे यूज करेंगे, जल्दी रेडी गो नाउ, वेरी गुड, सो यू कैन यूज इवन दुपट्टा फॉर दिस, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, गो बैक, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं आ रही, चलो वेरी गुड। सुप्रीम है और उसने सबको ये अधिकार दिया है, वो जैसा चाहे जी सकती है, जो चाहे पहन सकती है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। Nobody should be given the right to stand you. अभी त्यागा जो कि बेसिकली वो कमांडो का हथियार होता है, बट किसी का सगा नहीं होता, हथियार का मतलब हाथ का यार, जब तक तेरा तेरा मैंने छीना मेरा, इट डजंट बिलोंग टू एनीवन। बिना एक्सप्लेनेशन स्लो करेंगे, नहीं एक्सप्लेनेशन, जल्दी जल्दी, डोंट हैव टाइम। 1, अगर सामने वाला चाकू से आता पहले उसका ब्लॉक किया, उसके बाद उसका क्या हशर किया वो भी देखे। 2, हाथ काटो, जो हाथ उठे हाथ काटो, जो आंख उठे वो आंख फोड़ो। 3, पैर गए। 4, डबल कट। 5, पेट गया। 6, 7, घुटना। 8, इनकी सोच अपाहिज है, हम इनको शरीर से अपाहिज करेंगे। 7, वापस। अभी सुनिए, लोगों को लगता बड़ा स्लो है, आई चैलेंज एवरी फास्ट गो। तुम पलक मारोगे हम जान ले लेंगे। एक बार और, एक बार और बेटा, खा 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 काट गो। आई एम द फ्रंट रो ओनली, ओनली फ्रंट रो, एंड आई चैलेंज, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को ट्रेन किया है। 2.5 सेकेंड 8 कट सामने वाले के शरीर में, दैट्स मोर देन एनफ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गो गो, चलाओ चलाओ, मार बेटा, मार, डोंट लीव, डोंट लीव, हां गो गो गो, गुड, चेंज, यू लाइक इट और नॉट। इन बच्चों के लिए भी ताली बजाओ, हर लड़का रेपिस्ट भी नहीं होता है, जिससे ये औलादें निकल के फिर कत्तार कुछ निकल जाते हैं, कुछ देशभक्त, बट कोक सवाल मां के उस पेट का जहां से बच्चे का जन्म होता है, बोलना पड़ा। 4 नंबर ट्रैक, कुछ लोगों ने यह भी भ्रांति ले ली कि बच्चियां आग से जलती हैं, बाहरे जो सुबह से लेकर शाम तक बिचारी किचन में रोटी बनाती है वो आग से कब से जलने लगी। So they are not the call is scared of anything. अगर आपकी ताली रुकी मैं डेमो रोक दूंगा। तेज कर लो, हेलो हेलो, उस इंसान को जवाब जो इनके पेट पर सवाल उठाता है।
आउट आदुगा आदुगा यहाँ स्टेज मैंने पहले इनको जला के रखा था समाज ने कि तुम कमजोर हो ये कहाँ से कमजोर हो गई तो कमजोर साबित करके कि आज बोल रहे हैं Bye.
आगे बढ़ाते हुए हम सभी के चेहरे पे और महाराष्ट्र को नित नई ऊंचाइयों तक ले जाने की चाह रखने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं हमारे मध्य में मंच पर जयंत महेश्वर जी उपस्थित हैं। माननीय जयंत जी के स्वागत के लिए मैं रवि जी से निवेदन करती हूँ कि वो जयंत जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्री रवि सुश्री रवीना टंडन जी को कि वो आए और हम सभी को और इस मिशन साहसी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें श्री सुश्री रवीना टंडन जी। मेरी प्यारी बच्चियां और छोटी बहनों, आप सबको और बाकी जितने भी यहाँ अतिथि सम्मानित हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एबीवीपी और मिशन प्रहार का कि उन्होंने मुझे इस दमदार कार्यक्रम में एक न्योता भेजा और इनवाइट किया। और मैं समझती हूँ कि आप बच्चों को देख के आज मेरे दिल में इतनी और नई हिम्मत पैदा हुई है कि मैं ये दम जो है अपने साथ लेकर जाकर लोगों को बताना चाहूंगी कि हाँ, आज हमारी जो बच्चियां हैं उनसे कोई भाई पंगा नहीं ले सकता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील अंबेकर जी का, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर शिफु जी शौर्य भरद्वाज जी का। आपने जो दमदार भाषण दिया वहां पे मैं क्या बताऊं आपको, मजा आ गया। एंड जिस तरीके का साहस और हिम्मत आपने बच्चियों को दी है सर, आपका सर नमस्कार सलाम करते हैं आपको। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आशीष शमान जी का, ममता यादव जी का, उर्मिला महाता जी का कि आप सब ने मिलकर एबीवीपी मिशन प्रहार एक ऐसा मिशन तैयार किया है, मिशन साहसी, जो मैं समझती हूँ आज हमारे देश में ऐसे एक मिशन की बहुत बहुत जरूरत है। बदलते समाज और माहौल के बीच ऐसे पहलुओं का हम सभी को स्वागत करना चाहिए जहां ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप में भी महिलाओं को एक नई मजबूती मिलेगी। मैं समझती हूँ जहां अन्याय के खिलाफ ना सिर्फ मजबूती के आवाज उठाई जाए बल्कि समाज में खुलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज भी उठाई जाए। महिलाएं मुख्य धारा में होंगी तो हमारा एक नया मजबूत समाज बनेगा। मैं समझती हूँ हमारी जो महिलाएं हैं आज अगर हमारे समाज को बढ़ाती हैं तो प्रथम हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इस समाज को आगे बढ़ाती हैं, परिवार को आगे बढ़ाती हैं। और जब तक वो ही महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को न पहचाने और न जाने कि उनमें कितनी सहन शक्ति है, उनमें कितनी शक्ति है, कितनी हिम्मत है, तब तक वो परिवार भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ हमारी महिलाओं को ये नहीं सिखाया है कि हाँ आप मैदान में आके जंग कीजिए, आप लड़िए, लेकिन मैं समझती हूँ जो आज मैंने प्रदर्शन देखा, आम वस्तुएं जिनको एक हथियार बनाया जा सकता है और हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके हर सिचुएशन से, हर हमारे सामने जो बाधाएं आए या ऐसी मुश्किलें आए या ऐसे अगर अत्याचार हो, हम उसको कैसे उसका सामना करें, ये सिखाया गया है, जो आई थिंक बहुत ही जरूरी है। हम ये नहीं कहना चाहते कि दो दिन में आपको हम एक सुपर हीरो का रूप दे देंगे या आपको ऐसे सिखा देंगे या कि आप 10 लोगों को मार के आ जाए, लेकिन उस समय एक ऐसी स्थिति से कैसे निकलना, किस तरीके से अपने आप को बचाना, अपनी हिफाजत करना, ये बहुत जरूरी है सीखना। और उस समय आप अपने शारीरिक हिम्मत भी नहीं लेकिन अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है, वो जरूर ध्यान में रखिए आप। मैं हर बार समझती हूँ कि हम औरतें, हम में वो शक्ति है, इसलिए हमारे पुराने
जमानों में, जैसे हम कहते हैं आज भी हम अपनी देवियों को पूजते हैं, लेकिन ये देवियां जो थी और हमारे जो संस्कृति है पुराने जमानों से हमारी औरतों की पूजा होती रही है, एक देवी के रूप में सम्मानित किया गया है। आप समझती हैं कि हर आप में एक देवी बसी हुई है, उस देवी और उस शक्ति को अंदर से लाना आपके ऊपर है। आपको पहचानना है कि आपको किस समय कौन सी देवी का रूप लेना है। आप अगर एक करियर वुमन है तो आप लक्ष्मी हैं, अगर आप एक टीचर प्रोफेसर हैं तो आप सरस्वती हैं, अगर आप किसी के सामने अत्याचार के सामने खड़ी हो जाए तो आप एक काली चंडालिका और दुर्गा का रूप है। ये रूप आपको पहचानने की जरूरत है और किस तरीके से आप उस माँ की ममता को, आप में वो नम्रता भी है जो आप उस माँ की ममता को भी एक शेरनी के रूप में प्रकट कर सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए, सब आपके अंदर है, आपकी अंदरूनी शक्ति को एक बार बाहर ले आएंगे आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जितनी बच्चियां यहाँ इस समय उपस्थित हैं ये सब समझती हैं, और आगे ये मैसेज लेकर जाइए कि हम हैं आगे की जनरेशन, हम हैं हमारा फ्यूचर जनरेशन, और हम हमारे देश को किस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत, आपकी हिफाजत आप खुद कर सकती हैं, आप इतनी बुलंद हैं। और मैं आप लोग को नमस्कार करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको देख के आज मुझ में एक नई हिम्मत पैदा हुई है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मे यू लिव लॉन्ग एंड मे यू लिव सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। जय हिंद। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, एक एक कदम बस पीछे रखिए, ऑलरेडी गर्मी है, घुटन हो रही है थोड़ी। कैन वी स्टार्ट? क्या करना चाहिए? इतना अच्छा प्रदर्शन लगा आपको, जिस तरह से प्रदर्शन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं चकित हो गई देखकर कि इतनी इतनी मजबूती से हमारी लड़कियों ने जो प्रैक्टिस करके, मैंने सुना है 12-12 घंटे प्रैक्टिस करके एक कंडीशनिंग होती है जिससे वो स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वो कंडीशनिंग दिखती है। आप अगर कोई भी डिफेंस आर्ट सीखेंगे तो पहले बच्चियों को कंडीशन किया जाता है ये मजबूती सहना, एंड बहुत ही खूबी उन्होंने निभाया और बहुत खूबी उन्होंने दिखाया। मैं समझती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसे जो मिशन साहसी है, जो ABVP और ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने साथ में मिलकर, मिशन प्रहार साथ में मिलकर इन्होंने जो ये मिशन साहसी बनाया है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में ये एक अभियान चलना चाहिए, जहाँ हम स्कूल्स में कैंप्स ऐसे रखें डिफेंस के लिए। क्योंकि जो आज आपने प्रदर्शन देखा वो सिर्फ ये नहीं था कि हम दो दिन में आपको एक कराटे मास्टर बना देंगे या हम आपको कंग फू करना ऐसे सिखा देंगे, बल्कि ये इतने आसान तरीके के सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए गए कि आप जो जो आपके साथ आम वस्तुएं भी हैं आपके हाथ में, आपके बैग में, चाहे वो आपका रूलर हो या आपकी कलम हो या आपका पेन हो, आप कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकती है। उस समय आई फील अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो ये जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स लड़कियों को सिखाई गई हैं, आई थिंक इज फैंटास्टिक, और मैं बहुत दिल से इन सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मिशन के बारे में सोचा और हर स्कूल और हर कॉलेजेस में ये लेके जाएं। विद्यार्थी परिषद दो प्रकार से काम कर रही है, सॉफ्टवेयर चेंज कर रही है। स्पेशल मैसेज में विमेंस डे में हर एक को यही बोलती हूँ कि हम औरतों में इतनी शक्ति है, शायद ऊपर वाले ने यही शक्ति पहचान के हमको ये दान दिया कि हम एक्चुअली वो दर्द सह के एक नई जीवन को भी हम जन्म देते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति हमें दी गई है और हम उसे पहचाने अपने आप में कि अगर हम एक जीवन को जन्म दे सकते हैं तो हम ज़रूर, इतनी हिम्मत है और इतनी साहस है कि हम अत्याचार के अगेंस्ट भी खड़ी हो
सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हम अपने जहन में ले लें कि औरतें किसी भी हिसाब से कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो इतनी हिम्मतदार हैं कि इसलिए ऊपर वाले ने हमको जन्म देने का एक दान, एक वरदान दिया है। So I feel that is very, very important for us to realize our self-worth and our self-strength is very important. Namaskar, मैं हूँ रवीना टंडन और सभी को, मैं सिर्फ हमारी औरतों को नहीं लेकिन मैं सभी को एक very happy women's day कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर women शायद नहीं होती तो हमारी ये पूरी life existence नहीं होती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि women are the bane of our existence and women can take us forward, women procreate and take this world forward. Thank you. देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।